हैप्पी दिवाली सीए साहब। हैप्पी दिवाली शर्मा जी, बताइए कैसे याद किया? इस दिवाली कुछ मैं बढ़िया करने जा रहा हूँ, आईफोन लेने जा रहा हूँ, वो भी 18% डिस्काउंट पर। यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस देखी है मैंने 18% डिस्काउंट पर, बताइए कैसे? अरे बहुत ही सिंपल है, मेरा एक दोस्त है जो GST में रजिस्टर्ड है, तो उससे मैंने सेटिंग करवा दिया, उसके नाम पे मैं इनवॉइस ले लूंगा, जो GST कट रहा है वो रिफंड आ जाएगा। ये बात सही है, अगर आप GST रजिस्टर्ड हो तो जितना भी आप GST पे कर रहे हो उसकी आपको क्रेडिट अवेलेबल कराई जाती है। नॉर्मल आईफोन की प्राइस 79,900 रुपीज रहती है, जिसमें से 12,100 रुपए का तकरीबन GST अमाउंट रहती है। अगर आप GST में रजिस्टर्ड हो तो इन 12,100 रुपए की आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये 12,100 रुपए आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। आप GST तभी अवेल कर पाओगे कि जब आपका एक्चुअली में आउटपुट लायबिलिटी बन रही है। अगर आपका टर्नओवर कम है या सिर्फ आप क्रेडिट एक्यूमुलेट कर रहे हो, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको अमाउंट रिफंड नहीं की जाती है। GST क्रेडिट सर्टेन कंडीशंस में ही रिफंड किया जाता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे।